इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आजपासून सुरू होणार आहे पार्लमेंटच्या अधिवेशनात कामगारांचे प्रश्न। आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे प्रश्न। संसदेमध्ये प्रश्न न विचारू देणार सरकार मुर्दाबाद। शेतकरी शेतमजूर कामगारांचे प्रश्न न विचारू देणार सरकार मुर्दाबाद। खासदाराला प्रश्न न विचारू देणार सरकार मुर्दाबाद। अर्थव्यवस्था डबघाईला आणणार सरकार मुर्दाबाद। बीएसएनएल बेचत बँक बेचित मोदी सरकार जवाब दो। कोयला बेचा रेल्वे बेची विमान बेचा मोदी सरकार जवाब दो। शेती विरोधी अध्यादेश मागे। शेती विरोधी अध्यादेश मागे। आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात कामगार शेतकऱ्यांना न्याय दे गए। लॉकडाउन के अंदर जब जनता अपने अपने घरों के अंदर है, इसका फायदा उठाते हुए यहाँ के केंद्र शासन अपने मनमानी तरीके से कानून में बदलाव कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो व्यापारी जो किसानों के माल का साटा करते हैं उसको पूरी छूट देने का एक विधेयक लेके आया है। किसानों के विरोध के विधेयक, उसी तरीके का कामगारों के विरोध के विधेयक और पूरे देश के अंदर जो एक तरीके से खाजगीकरण करने का जो है तो काम मोदी सरकार कर रही है, उसके निदेश के उसके निषेध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश भर में आज 14 तारीख को निषेध दिन जो है तो मनाया है। हमारा ये बोलना है कि भाई अगर निजीकरण करेंगे, खाजगीकरण अगर करेंगे, जो गरीब लोगों के बच्चे सरकारी नौकरियों के ऊपर लगते थे वो उनके लिए उनकी जो है तो आने वाले दिनों के अंदर उनको वो नौकरी नहीं मिल सकती है। रेलवे का खाजगीकरण कर दिया, एयरपोर्ट का खाजगीकरण कर दिया, कई हर चीज को जो है वो खाजगी लोगों के बड़े बड़े सरमाएदार और भांडवलदारों के हाथों में ये बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है और उसी के निषेध के अंदर जो है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज रास्ते के ऊपर उतरी हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं आज देशभर केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात निषेध दिन पाळण्यात येत आहे। कोरोनाच्या काळात लाखो स्थलांतरित मजुरांचे हाल झाले। रिक्षावाला, फेरीवाला, बांधकाम कामगार, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, छोटे व्यावसायिक, शेतकरी, शेतमजूर या सर्वांचे हाल या कोरोना काळात झाले आणि याचं निमित्त करून या कामगार कष्टकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी अंबानी अदानीचे खिसे मोदी सरकारनं भरणं सुरू केलेलं आहे। कोळसा उद्योग विकला, 74% भांडवल शस्त्रास्त्र कारखान्यात परदेशी भांडवल आणलं, एफडीआय आणलं, बीएसएनएल विकलं, बँकाचं खाजगीकरण सुरू आहे, ऑर्डनन्स फॅक्टरी 250-300 वर्षापूर्वीची ऑर्डनन्स फॅक्टरीचं खाजगीकरण सुरू झालंय आणि अशा परिस्थितीत कामगार कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न महत्वाचे आहेत की त्यांचे तुंबड्या भरणं महत्वाचे आहे, हा महत्वाचा मुद्दा आहे आणि या सर्व प्रश्नावर आम्ही जे निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी संसदेत प्रश्न विचारायचा नाही असं मोदींनी ठरवलेलं आहे। आजपासून संसदेचं अधिवेशन सुरू होत आहे। या कामगार कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांच्या विरोधातले जे अध्यादेश काढले त्याच्या त्या संदर्भात लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारू दिले पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे। मोदी सरकारच्या या सर्व धोरणांचा आम्ही निषेध करत आहोत।